बिल्कुल समझ लग रही, नहीं पता चली या के मकान भी बनी या बिस्तरे पल्ले सब नहीं यार गल ने मालूम आत। बल्कि ए चूल्हा या तो नाल इसने आवला आवला जनाब लाई ते बाद ही चूल्हे बालियां जणियां ने ते ऊपर सारे कोल नाड़े हैं ना सात नाड़े ने। अच्छा इने नु पानी इकट्ठा हो गया आ रहा सारा ए बाल जेड़े सामने घर पहुंची आया ते इना वादा असन नाल कीता सी के चटनी लस्सी सारा कुछ होसी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोना मेजबान सईद भट्ट ते तुसां तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़। तो मेरे ना अदनान जिंजुआ साहब मौजूद है, तो अज असा आया जे जे साहब ने इलाके इन्होंने ग्रां आया इन्होंने घर भी तुसें दसाया, लेकिन असं रस्ते इसने तकने पे कि इतने कोई थापियां लगी हुई तो जे जे साहब आने इन्हें थापियां नहीं कोई खसूसियात ही। तो वैसे तुसें कोई पता है कि थापियां कियां लाने जी? थापियां जनाब लाई तो बाद चूल्हे बालियां जनियां रवाज खत्म हो गया। दिलचस्प गल अजकल बेल्जियम आया दुबई शबेरी आया थोड़ा उसी फॉरनर दोस्तियां करने बड़े शौक होने से पिंडी को इस्लामाबाद मिले उन्हें फॉरनर मिले एक आस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड ना उसी अंग्रेजी फारसी अरबी तो वैसे ही सोशल बंदा से सर वो प्लीज वुड यू कम टू इन अवर टाउन या कि वी विल प्लीज अवर फ्रेंड ये वो ये बुलाई दा आया लेकिन आप भुली गया कि मैं मेहमान ही बुलाया ना तो उन्हें एड्रेस दे आया तो आइए रास्ता मुजफ्फराबाद पहुंची तो जीरा चेक पोस्ट फोन किया ना ये वो पता किता थाने जाने जी फलाना घर आ पहुंचे घर दुआ बैग चाहे ने बड़े बड़े न्यूजीलैंड दोस्त तो थे कोई नी दोस्त थे बे साड़ी बढ़ेड़ नाले भी दिता नब्बे पचानवे साल ने उन्होंने कौन इसने मुड़ी तो पहुंचे तो बेहतर थोड़ा घबराई गया ये कुदर अपना उन्हें जी मिस्टर तनवीर राजा तनवीर उन्हें नो नो अंग्रेजी कुछ अच्छा ही कोई ना वो एक कदन एक माड़ा उस निका भरा उस बोर होने पहले तो उन्हें रोटियां सन बेही आता उसी सब्जी सब्जी बेही ना सैंडविच बनाई उन्होंने खादा पता चलता क्या कासन क्या ना कासन बेह सारी जी ग्रां ने रस्ते ही उन्होंने असरी पहला स्टैप देखा ना उन्हें पूछा रस्ते कोई गल वैर वट इज दिस अंग्रेजी कोई त्रै चार बंदे नाल उन्होंने तो उन्होंने अंग्रेजी कुछ नहीं वट इज दिस उन्हें आया फ्लावर ट्री ए दो चार गल्ला होने सन लेकिन जिदा उन्हें देखिए थापियां रस्ते लगे नहीं उन्हें आया वट इज दिस उन ताजीम से आया तिरवीर ना भरा उस आया मैं क्या हाँ उस आया आई अंग्रेजी में भी उस आया दिस इज बफेलो टॉयलेट उन्हें वो अंडरस्टैंड हो गोरे आया ये आई है इससे बफेलो टॉयलेट अंडरस्टैंड दुआ क्वेश्चन उन्होंने बोला वो फंक्शन ऑफ बफेलो टॉयलेट मॉन उन्हें आया इसने फंक्शन क्या आया उस ताजीम में आया वो क्या दसा उन्हें वो एक तू दस मी इस नहीं कि मैं क्या हाँ मतलब उस ताजीम समझ आ गया पूछना कि इसने क्या करना है उस आया यूज इन किचन नाल हथ रे फॉर ईटिंग इतनी रश कही है लाते तू आना वो दसा चलता कि अस बालने किचन भी थापियां कैंडल तौर पर रोटी रोटी पकाना लेकिन वो शर्ट आई है उस तरह बफेलो टॉयलेट इतने तक समझिए गोरे ठीक है तो अस अगे भी थोड़े जुस्सा आया एक घर ना विजिट कर सा उसकी बात सोई जे जे साहब ने आई घर भी दसने नजरी अस अगे जाने पे सियां तो एक और चीज़ पुरानी तकी है तो वैसे तो इसी आखने कच्चे चूल्हे लेकिन इस ना कुछ और भी ओ टी है इस किस्म का भी कोई ना है वैसे तो एक मेडिकल भी ओ टी होनी है और नहीं है एक और ओ टाई है ओ टी है जो कुछ आखने तो जे जे साहब को पूछा इसी क्या आने तो अदनान साहब को भी नाल पूछा है अदनान साहब इसी ओ टी है ओटा इस किस्म का भी कोई चीज़ आखने जनाब इसकी ओटा आखने ओटा आखने ओटा आखने ठीक है जे जे साहब मजीद बिस्मिल्लाह जी इसी है कि ओ टी ऑपरेशन थिएटर ओ टी नहीं बल्कि ये चूल्हा है तो नाल इसने आवला आवला ये वाहद आवला आया कि जिस चूल्हे ना कनैक्शन कोई नहीं मोस्टली चूल्हे ना से कुछ आवले जाना था ना रोटी इतने पकड़ी लेनी सालन उतना गर्म टिया रहना इसने दरमियान सुराख होना लेकिन इन्ना मीन समझ आई आवला जड़ा ना तो बाकी ओटा ऐसी नहीं आने ये चूल्हा ही है ओटा वो होना कि जो इन चूल्हे ने कोल छत्तियां बनती नहीं होनी जिस भांडे बर्तन रखने तो यह कोई मोड़ कोई किले ना नहीं है कि तू कोई दुश्मन पर फायर करना यह सिर्फ एग्जास्ट दुश्मन पर नजर रखी जाए यह सिर्फ आवाज है धुआं जाने है क्योंकि बाद दफा उगन होने ना जिसी उगन आने अंगीठियां ये उगन ये क्या आने चूल्हा उसके बाद नाल से मैं दसिया ये जी चीज़ा इस इलाके ना ट्रेडिशन मट्टी ने नाल तुसा आने कच्चा चूल्हा एक कच्चा उस वक्त तक होना जो गारे ना बनता रहना जो लकड़ियां लगी लगी पकना ना माजूर बच्चिया ने घर पहुंचे हाँ जिन्होंने असा एक वीडियो बनाई सी और वीडियो तकने तो बाद
इन्ना कि अल्लाह ने प्यारे बंदे घर बनाई तो दिता और जरूरत नहीं हर एक चीज की दिती है। जिस तरह पता है कि इतने पंद्रह मुकाम पर अस एक व्हील चेयर देने मारे आए से हाँ, लेकिन जल्द इन्होंने हालात असं धक्के सन तो असं धक्के कि इन्होंने बिल्कुल मकान टेने ला सी तो अल्लाह करे तो इन्होंने मकान भी कंप्लीट हो चुके आ। तो उसके बाद व्हील चेयर भी तकरीबन दो हो चुकी, उस तो बाद सिलंडर चुल्हा जड़ी भी इन्होंने जरूरत नहीं चीज़ की नहीं दी है। तो इन्हें गल कर सके हूँ खुश हैं या नहीं, तो यह गल बो कि हूँ खुश होना मकान बनी है सारा कुछ हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया तुमने, बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया, मकान क्लीयर हो गया, व्हीलचेयर भी लगी गई सी, बाकी राशन पानी जड़े पल्ले बिस्तरे भेजे सब मिली है, शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया तुमने दुआ है। ठीक है, तो वैसे ही गल और भी बाँ के जल्द अस पहली बार आए हैं तो इन्होंने जो रजाइया तलाइया या खट्टा सियाँ वो भी यानी कि खस्ता हाल सियाँ, तो अल्लाह उन्होंने और दे जिन्हें साढ़े नाल तावन किया और इन्हें की खट्टा बिस्तरे और मकान बनाने की हेल्प की है। तो उन्हें क्या आखने कोई दुआ दौ ना कि अल्लाह तला उन्होंने रोजी अल्लाह तला उन्होंने माल च मजीद बरकदा पै जिन्हें सारा सोना तावन किया है। अल्लाह उन्होंने माल दौलत जान बकार बार सब खैर बरकत जिन्हें ये असों की समान दिता। ठीक है, जड़ियाँ सभी बची हुई इन्हें समझ लगनी कि साड़ा मकान हूँ बनी गया, असं सौखी हुई है, बिल्कुल समझ लग रही, इन्हें पता चली गया कि मकान भी बनी गया, बिस्तरे पल्ले सब इन्हें हर गल ने मालूमात है। तो बाजी दुआ करे। ठीक है, तो असं साढ़े से दुआ ना करे, ये जिन्हें ये सारा कंट्रीब्यूट किया उन्हें से लाजम दुआ करनी है। असं खाली डाकिया ना किरदार अदा किया कि जिस तरह नहीं होना डाकिया खत चुकना, खत में क्या उसी कोई पता नहीं होना, ये भेजने लिए पता या रिसीव करने लिए पता है, वो हिसाब असं किया, असं खाली पैगाम पहुँचाया तो इन्होंने मकान बनी जो इन्होंने मकान बनी आ और बाकी जड़िया चीज़ा सी इन्होंने आई हैं। तो जजाक अल्लाह, तो इसी जे जे साहब ना भी बड़ा यानी कि हिस्सा आया कि सब तो पहले इन्ना मिगी इतना आंदा सी कि इन्हें की एक व्हील चेयर नहीं जरूरत है, लेकिन जल्द असं इतना अच्छी तक आया कि इन्हें की एक व्हील चेयर नहीं जरूरत नहीं है, इन्हें की बहुत सारी चीज़ा नहीं जरूरत सी। तो अल्लाह करे तो तकरीबन इन्हों चीज़ा कंप्लीट हो चुकी जड़िया बंद इंसानी बुनियादी जरूरत होनी। तो अल्लाह तला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह तला उन्होंने माल और दौलत मजीद इजाफा करे, असं तो उन्होंने लोगों की कुछ ना दे सकने जिन्हें इसी हिस्सा पाया है, ये अल्लाह ही उन्होंने इस ना अजर दे सकना, तो अल्लाह ही उन्होंने इस ना अजर भी देसी है। तो नाजरी असं रस्ते चु लंघने पे से हाँ, तो असं तकी है एक कुदरती अबशार इतना बहनी पी है, तो आजाद कश्मीर अबशार भरया वा, तो यह जल्द पानिया नहीं गिरने नहीं आवाज़ अचनी ना तो एक अलग ही उसना स्वाद अचना करना की। तो साढ़े नाल अकरम साहब मौजूद हैं, तो अकरम साहब भी इतना रहने, तो इन्होंने को पूछा आ अकरम साहब एक गल बो कि अबशार कुथू अचनी जी, अबशार आ रही है जनाब देवी गली तू लैके तो ये लैंड एक आ रही है ऐसी अबशार नहीं कि हार मतलब जेड़े साहब कहने की गोजरी च गल करो। अच्छा अच्छा, ये हर इलाका ना मसलन ये पानी ऊपर देता आ रहा है, मसलन ऊपर नाड़ा है फिर थला नाड़ा आ रहा है, उस थला मसलन ये रंगड़ता की सीधा जा रहा है, से कोई सात ना, नाड़े नु के सात इतने ऊपर सारे को नाड़े है ना सात नाड़े ना। अच्छा, इन्होंने पानी इकट्ठा हो गया आ रहा ना सारा, ये पानी पीने वाला है? हां पानी पीने वाला है। कितने आगे पीछे दूर अशनी भी ये ऊपर देवी गली बड़ा इलाका है ना, मतलब वो मैदान इलाका है, उसी जो जरा चल के थले जमीन देवी गली मौसम सरमा बर्फ जो पैंती है देवी गली जंडाली ऊपर तो वो बर्फ जमीन में जज्ब हो गया, तो हम गोजरी का बादशाह तो गोजरी में गल करो थारो प्रोग्राम दुनिया पूरी में देखे जाएगा। जमीन में जिन्हें जज्ब है ना जिस तो वो पानी सारो खींचे वो ये तुम्हारे को ला रहा है। वेरी गुड, अब उस पानी वाला हम अपना फसल पैदा करा उसके बाद पानी वो डंगरा ही पिलाने वो डंगरा ना पिलाओ किसी मसलन आज ये नान साहब ये तो धान का फसल भी चावल का फसल भी तो क्यों है ये मारो ग्रांत है लोर बांधती नहीं है ना या अपर बांधती नहीं है। तो अकरम साहब चावल का फसल के बारे में बताओ, चावल मारे को लगे सो नहीं नाकाम कोशिश करने हो ऐसी नहीं नाकाम नहीं मारो तल्लक मतलब है कि खिता पटवार का यह है कि यह है कि जमीन आला है और फॉरवर्ड कोटा भी माड़ा ननिहाल है, सने जुबान ना खराब करो नहीं ना मैं के गुजरा सन पीछे पे जान के भाई जी सारी जुबान खराब करिए कोई दाद ना गहरी दोस्तियां अकरम साहब को पूछना मारो वालिद साहब का दोस्ती है अकरम साहब के वालिद ननिहाल तो हूं सीख तो है मैं पठान पश्तो भी बोलता संगे जोर तक तुम वर्द हूं अरबी भी थोड़ी बहुत बोल लेता है। ठीक है, लास्ट पर अपने ग्रानी सब तो अच्छी चीज सही कड़ी लग रही सब तो अच्छी चीज हां जी सब तो अच्छी चीज असंगे एक से पहले अपनी जुबान लगनी वेरी गुड
दूसरा ये सब तो अच्छा है कि जड़ा पानी लग रहा है। तीसरा ये है कि ये जड़ी इलाका अपना है ये सब तो अहम और अच्छा लग रहा, खूबसूरत लग रहा। उस तो बाद अपना शहर है जीरा बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि साढ़े नजदीक है असन बहन उठन चलन दोस्त यार सारे ही थे दावत पहलू दी जिस दसी ਕੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸਾ ਦੇਸੀ ਕਸਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਕੜੀ ਖਲਾਈ ਜਾਸੀ ਚਟਨੀ ਖਲਾਈ ਜਾਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੀਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਲਾਈ ਜਾਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜਨੇ 14 ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਪੇਅਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਸਵਾਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੜੀ ਵੀ ਖਾਸਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਅਸਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਆ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ काफी सराय रहना दाखर पर असा जावेद इकबाल जेजे साहब ने घर पहुंचे हाँ जिथे असा रोज़ा अफतार किया आ ते खाने विच जिथे वलायती खाने मौजूद सन उसने नाल नाल देसी खाने भी पकाए से जेजे साहब जिस साग दही चटनी वगैरह शामिल सन। इकबाल जेजे साहब ने घर पहुंची आए हाँ तो इन्हें वादा असा नाल किया कि चटनी लस्सी सारा कुछ उसी है तो अजय तो अजय उस आई चुकी खजूर आई चुकी फ्रूट आई चुके पकौड़े आई चुके उस तो बाद जनाब ये पूतने ने पत्तर भी आई चुके ते समोसे भी आई चुके चटनी भी ते आगे अगे आखने के देसी खाने भी सुन है ते वो ते बादले तक साया लेकिन पहलू रोज़ा खोल सा ते जनाब अदनान साहब आई पूरा विजिट इतना ना किता ने केजा लगा बड़ा खूबसूरत इलाका सा जी ते माशाला जेजे साहब ने नाल वैसे भी जिंदा दिल शख्सियत ने ते इन्हां नाल वैसे भी बंदा बोर नहीं होना सही ते अलहमदुलिल्लाह जदों बोलना शुरू करने ते बेहतरीन चटनी ने वादा किया चटनी आई गई साग है ना भी साग है इना गया साग पक्का वा ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਪੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਸਾਗ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ ਸਰ ਮਾੜਾ ਹਸਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੇਜੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਘਰ ਸਰ ਅੱਬੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਜੇਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲੀਗ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਫਤਾਰੀ ਉਪਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਇਫਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋਈਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰਾਬਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਛੋੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਮੁਸਲਸਲ ਬਿਜ਼ੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰਾਨ ਦਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨ ਕੋਟਲੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਖਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਕਿ ਲਗਾ ਆਸਾਂ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਕਿ ਅਜੀਰਾ ਪੰਥਨੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬੰਥਨੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।